आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके पास 3 घंटे हैं, आपको बहुत सारा लिखना है, आप चाहते हैं एक ऐसा पेन जो बहुत ही स्मूथ चले, आपके हाथ में पेन ना दे, अगर हाथ लग जाए तो समझ ना हो, और अगर गलती से बॉटल का पानी ढले तो वो फैले ना। तो गाइज, मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज़ बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइज, आज हम ये एग्जाम का सोल्यूशन लेके आ गए हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट जेल या फिर रोलर बॉल पेन्स, जिनसे आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, और जो सारी प्रॉब्लम्स हमने बताई उन सब में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं गाइज। तो हमारी एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद हम आपके लिए ऐसे पेन्स लेके आए हैं जो आपको हैंड फटीक नहीं देंगे, जिनकी बिल्ड बहुत अच्छी है, जो स्मज नहीं करेंगे हाथ लगने पे, एंड अगर पानी भी ढुल जाए तो भी वो वाटर प्रूफ या फिर वाटर रेजिस्टेंट हैं, जिससे आपकी कॉपी सेफ रहे। तो गाइस, सारे एग्जाम प्रूफ पेन हम आपके लिए आज लेके आए हैं। इनका जो MRP है वो 10 से 100 रुपीज़ के बीच में है, तो हर बजट में आपको एक पेन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पेन हैं हम आप एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये 5 पेन 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। देन गाइस, यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम 30 to 100 रुपीज़ से कुछ पेन अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे जेल एंड रोलर बॉल हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी बॉल पेन नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको जेल एंड रोलर बॉल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, इससे पहले कि हम हमारे रिकमेंडेशंस आपको बताएं, मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि एक स्टेशनरी रिव्यूअर होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं, एंड बीइंग ए टीचर आई वुड लाइक टू से कि यार, पेन सिर्फ एक टूल होता है जो आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। अल्टीमेट मार्क्स आपके डेडिकेशन एंड स्किल सेट से आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बाइंग ए गुड पेन डजंट गारंटी गुड मार्क्स, ठीक है, तो आपको पढ़ना भी जरूरी होता है। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट इज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको रिकमेंडेशन अच्छी लगे तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि आप उनकी हेल्प कर सकें। हो सकता है आपका फ्रेंड एक ऐसा पेन लेके एग्जाम हॉल में जाए जो लीक हो जाए, एग्जाम कॉपी खराब हो जाए, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स को आप उस चीजों से बताएं। तो गाइस, अब हम हमारे देखते हैं कि भाई कौन से पेन थे जो हम रिकमेंड करते हैं आपको एग्जाम के लिए। तो गाइस, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जो विनर है हमारे पूरे कंपैरिजन का वो है गाइस पेंटेल का एनर्जेल। तो गाइस, यहाँ पे ये कुछ ऐसा पेन दिखता है, दिस इज द एनर्जेल, इसका मॉडल नंबर है BL417, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दिस इज द विनर गाइस। दिस इज वेरी स्मूथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ चलता है, एकदम डार्क है, एकदम से स्मज टेस्ट भी यहाँ पे मैंने किया तो बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है सरप्राइजिंगली, एंड गाइस बहुत हद तक ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसी पेन का गाइस एक और वर्जन आता है, यहाँ पे क्लिक वर्जन आता है इसका, बेसिकली रिट्रैक्टेबल वर्जन, तो दिस इज BL437 अगेन। मैं रिकमेंड करूंगा दोनों को, आप 0.7 mm का वर्जन ले 0.5 के बजाय, तो इसमें बेसिकली ये रिट्रैक्टेबल होता है, दोनों में रिफिल्स एग्जैक्टली सेम है, तो आप इनमें से कोई भी एक पेन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें गाइस, तो हमारे नेक्स्ट चॉइस है गाइस यूनिबॉल की तरफ से आने वाला Signo 307। तो यहाँ पे गाइज अगेन ये एक रिट्रैक्टेबल पेन है, यहाँ पे रबराइज्ड ग्रिप आती है, काफी कंफर्टेबल टू होल्ड है, है ना, लॉन्ग टाइम तक आप इसे लिख सकते हैं बिना किसी फटीक के, चलता भी बहुत डार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ये स्मज भी ये काफ़ी कम होता है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ी वाटर प्रूफिंग के साथ आता है। यूनिबॉल के अंदर यूनी सुपर इंक्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट एंड मैं बोल सकता हूँ वाटर प्रूफ होते हैं। इसके बाद जो गाइज हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम पायलट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है पायलट का V5RT वी सीरीज पे एक डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी हमने बना दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इस पेन की खासियत ये अगेन बहुत ही प्यारी रबर ग्रिप के साथ यहाँ पे ये आता है, रिट्रैक्टेबल वर्जन है, इसकी रिफिल भी काफ़ी अच्छी चलेगी, एंड देख सकते हैं अभी चलने में ये पेन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम डार्क ब्लू इंक आती है इसकी, है ना, और ये स्मज भी आप देखेंगे तो स्मज भी बहुत ही कम है इसमें, यूनिबॉल से भी कम स्मज ये होता है, बट अगेन ये वाटर रेजिस्टेंट थोड़ा यूनिबॉल से यहाँ पे कम है। इसका जो MRP है वो आपको मिल जाता है 100 रुपीज़ में। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको पायलट की तरफ से आने वाले जो वी सीरीज के V5 हैं एंड कॉटरेज वाला सिस्टम है, नॉन कॉटरेज सिस्टम है, V7 है, ये रिकमेंड क्यों नहीं किए। गाइज, मैं ये रिकमेंड बहुत अच्छे पेन से पहले मैं आपको बता दूँ, नोट टेकिंग के लिए सम ऑफ द बेस्ट पेन से, एकदम डार्क चलते हैं, बहुत ही स्मूथ है, बट गाइज इनमें ना कभी कभी लीकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी कभी लीक हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम्स में आपको ये ले जाने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। एंड सेम है गोज विद द कार्ट्रिज सिस्टम, यहाँ पे अगर कभी गलती से आप कार्ट्रिज चेंज करते हैं एंड इंक स्पिल हो जाती है तो इट इज़ अ रिस्क, तो मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, आप इनको एग्जाम्स में लेके जाएं। बाकी फॉर डेली नोट टेकिंग दीज पेन्स आर एक्सेलेंट गाइज, बट एग्जाम के लिए नो। तो गाइज नेक्स्ट पेन जो अब हमारे आ रहे हैं ये दो बहुत ही फेमस पेन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ट्राइमेक्स, आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा पेन है जिससे मैंने भी मेरा एग्जाम लिखा था व्हेन आई वाज इन आई गेस 12th। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखने में भी काफ़ी स्मूथ है ये, है ना, स्मज भी काफ़ी कम होता है ये, इसकी बहुत अच्छी बात है,
ठीक है। वो ये पेन वाटरप्रूफ भी है। बट गाइज इसका अल्टरनेट मैं एक और आपको रेफर करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे पास एक और पेन आता है गाइज, ये शायद पहले नहीं आता था, इवन मेरे टाइम तो अवेलेबल नहीं था। ये है गाइज यूनिबॉल की तरफ से आना 215 रिफिलेबल पेन। तो गाइज यहाँ पे इसके दो वर्जन आते हैं 215 एंड एक और वर्जन हमारे पास आता है गाइज 217 करके। तो दिस इज द 217। मैं आपको पर्सनली गाइज रिकमेंड करूँगा, मुझे इसका 0.5 mm का वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है ना। अगेन ट्राइमैक्स जैसे ये भी रिफिलेबल पेन है, ये 50 rupees में आपको पेन पड़ जाता है एंड 25 rupees में इसकी रिफिल आती है। सेम गोज ऑन विथ ट्राइमैक्स, ट्राइमैक्स भी 50 rupees का पेन है एंड 25 की इसकी रिफिल आती है, बट इसकी रिफिल मुझे थोड़ी सी लंबी लगी। एंड गाइज लिख के भी अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो मुझे ये पेन काफ़ी डार्क लगा, लिखने में मुझे पेन काफ़ी डार्क लगा, ट्राइमैक्स से ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसकी मेनली जो होल्डिंग पोजीशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ट्राइमैक्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाले सेक्शन को आप देखिए, जहाँ पे आप ग्रिप करते हैं ट्राइमैक्स का, बेसिकली जो फीड है वो थोड़ा ज़्यादा बाहर लिखा हुआ है। इससे अंतर क्या आता है कि जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो मुझे यहाँ थंब पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, बट इसका जो पोजीशन है ये नॉर्मल पोजीशन है तो ये थोड़ा स्ट्रेस फ्री राइटिंग मुझे ज़्यादा लगा। तो बेसिकली इन दोनों पेन्स में से मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई भी ले लीजिए। बट गाइज अगर आपको रिफिलेबल पेन चाहिए देन यूनिबॉल का 215 इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन टू गो फॉर। इसके बाद जो हमारे पास गाइस ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अगेन फ्रॉम रेनॉल्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस रेनॉल्ड्स की तरफ से आने वाला एक्सप्रेस ब्री जेल। तो गाइस ये वाला जो पेन है इसकी खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एंड इसकी यहाँ पे बॉडी पूरी रबराइज्ड है, रिट्रैक्टेबल पेन है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। एंड लिखने में काफ़ी स्मूथ है, बट अगेन गाइज इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगे कौन से, हमारे पेंटेल की तरफ से आने वाले एनर्जेल। तो ये भी एक ऑप्शन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये 60 rupees में आता है, देन डेफिनेटली गाइज आई वुड रिकमेंड कि भाई पेंटेल लेना, ज़्यादा बेटर डील रहेगी, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट पेन जो हमारे पास आ रहा है वो है यूनिबॉल की तरफ से आने वाला सिग्नो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सिग्नो 0.7 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 0.7 mm आता है, UM100 इसका मॉडल नंबर है, बहुत ही स्मूथ चलता है ये पेन। इसका MRP 50 है, थोड़ा ज़्यादा है आई नो फॉर अ जेल पेन, बट गाइज इसे लिखने का जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी सिंपल सा दिख रहा है, बट बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है एंड बहुत ही मिनिमलिस्ट एक्सपीरियंस है गाइज। तो अगर आप ऐसा पेन चाहते हैं जो बिल्कुल सिंपल लगे, स्मूथ चले, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट एक इशू है इसमें कि वाटर प्रूफिंग तो बहुत अच्छी है इसकी, बट यहाँ पे गाइज ये थोड़ा स्मज हो जाता है। तो मेक श्योर एग्जाम में आप लिखें तो आपका हाथ इसके ऊपर रब ना हो गाइज, है ना। तो गाइज ये तो थे हमारे सारे थोड़े कॉस्टलियर ऑप्शन 35 से 100 rupees तक के। अब आ गए गाइज 10 rupees वाले ऑप्शंस पे। तो गाइज 10 rupees में हमारे पास जो आते हैं इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ सारे पेन्स को, एंड अब हम बात करेंगे सिर्फ हमारे 10 rupees के पेन की। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास 5 options आ गए हैं जो मुझे लगे कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छे पेन्स हैं, जेल पेन्स हैं ये सारे। तो गाइज सबसे मुझे जो ज़्यादा पसंद आए वो यहाँ पे 2 पेन है। सबसे पहले है हमारा क्लासमेट की तरफ से आने वाला ऑक्टेन जेल, ये काफ़ी मुझे पसंद है ये पेन, ठीक है। यहाँ पे इसकी रबराइज ग्रिप आती है, काफ़ी एकदम डार्क ब्लू इंक है, चलता भी बहुत अच्छा है। लिखने में अगर आपके जो लेटर्स बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे इससे बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ ये पेन है, है ना, और ये स्मज भी इतना ज़्यादा नहीं करता है गाइज। एंड सेकंड पेन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बेसिकली वो रेसर जेल था, बट यहाँ पे एक और पेन मैं बोलना चाहूँगा कि रेसर जेल एंड रोडिटो फ्लाइमैक्स जेल 2। तो बेसिकली ये 2 पेन ना लगभग लगभग टाइप हैं। ये वाली जो पेन है हमारे पास जो रेसर जेल है ये पकड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका ग्रिप मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चलता भी बहुत स्मूथ है, एकदम डार्क इंक है ना। इवन ये एक ऐसा पेन है अगेन जिससे मैंने मेरा 10th का भी एग्जाम लिखा था, तो बहुत अच्छा पेन है फॉर श्योर, बट ये थोड़ा सा स्मज हो जाता है। अब यहाँ पे फ्लाइमैक्स जेल जो हमारे पास आता है ये थोड़ा सा ऊपर क्यों है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिए ये बहुत हद तक रेनॉल्ड जैसा ही है, है ना। यहाँ पे जो रोडिटो का हमारा फ्लाइमैक्स जेल है, बट गाइज यहाँ पे देखिए चलता बहुत स्मूथ है, बट यहाँ पे ये स्मज थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये स्मज जो है थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेसर जेल, है ना। बट यहाँ पे इसका जो होल्डिंग पोजीशन है मैं आपको दोनों का होल्डिंग पोजीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये रेसर जेल का पोजीशन है, एंड यहाँ पे मैं आपको सॉरी ये हमारे फ्लाइमैक्स जेल का पोजीशन है 2 का, एंड ये हमारा रेनॉल्ड्स है। तो रेनॉल्ड्स थोड़ी थिन बॉडी में आता है, एंड ये मुझे लॉन्गर राइटिंग के लिए बेसिकली लॉन्ग टाइम राइटिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर बॉडी लगा है ना। तो अगर आप स्मज ज़्यादा करते हैं, आपके हाथ ज़्यादा लगते हैं, तो आप इसके साथ जाइए। अगर आपको थोड़ी पतली बॉडी चाहिए, लिखना बहुत ज़्यादा है, तो आप रेसर जेल के साथ जा सकते हैं। लास्ट में बचते हैं
गाइस हमारे पास यहाँ पे दो पेन हमारे जो अगेन मेरे को अच्छे लगे थे, तो दिस इज अगेन डोरिटो की तरफ से आने वाला अमेजर जेल। तो ये बेसिकली रेसर जेल, और अगर आप उसमें पिक नहीं कर पा रहे हैं फ्लाईमैक्स में, तो बेसिकली ये बीच का कॉम्बिनेशन है दोनों का, है ना। तो ये वाला आप ले सकते हैं, तो दिस इज़ द अमेजर जेल। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है ना, जो आगे आपको जो फीड के आगे का सेक्शन है रिफिल के ऊपर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। एकदम परफेक्ट लेंथ है ना, परफेक्ट डिस्टेंस है, तो इससे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ये चलता है, एंड स्मज भी हल्का फुल्का ही यहाँ पे ये होता है गाइस। एंड लास्ट पेन जो हमारे रिकमेंडेशंस का है गाइस, दैट इज़ द ओशन जेल। तो ये काफ़ी फेमस पेन है, लिंक ओशन जेल बहुत पहले से आ रहा है, एंड ये वाटर प्रूफ भी है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपने पहले ये पेन यूज़ कर रखा है, मुझे एज पर पर्सनली तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन है एंड रबराइज ग्रिप भी नहीं है, एंड ये जो इसका ग्रिप है उंगली में थोड़ा सा अड़ता है, बट काफ़ी लोगों को ये पेन बहुत पसंद आता है। तो अगर आपने पहले यूज़ कर रखा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे सारे पेन्स जो बेसिकली हम आपको एग्जाम के लिए रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। एंड अगर आप सोच रहे हैं यार बॉल पेन आपने नहीं बताया, तो डेफिनेटली बॉल पेन पे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, बट यहाँ पे आपको चलो छोटा सा एक सरप्राइज़ दे देता हूँ। अगर आप बॉल पेन लेना चाहते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं करना चाहते, तो गाइस आपको अगर 35 रुपीज़ के अंदर पेन चाहिए, तो आप आँख बंद करके यूनिबॉल का जस्ट स्ट्रीम SXN101 ले सकते हैं गाइज। ये वाला जो पेन है डेफिनेटली गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बॉल पेन्स गाइज। तो बहुत ही प्यारा पेन है, इसमें एक SX101 भी आता है जो बेसिकली रिट्रेक्टेबल नहीं है, बट मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बॉल पेन चाहिए हाई क्वालिटी बॉल पेन जो बहुत स्मूथ चले समझना, आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी गाइज बॉल पेन का डिटेल भी हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे, तो मेक श्योर गाइज आपने हमको सब्सक्राइब कर लिया हो, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए यार सबका। साथ ही साथ अगर कोई अभी भी क्वेश्चन बचा है तो इंस्टाग्राम पे आप हमको डीएम कर सकते हैं, हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा स्टूडेंट यार, ठीक है। साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पे दो वीडियोस और दिख रहे होंगे, आप इनको चेक करके अपना स्टेशनरी के नॉलेज और एनहेंस कर सकते हैं। मैं मिलने वाला हूँ ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ आपको इन फ्यूचर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज, और हाँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज।